क्या हो अगर हम समय में पीछे जाकर उन सब चीज़ों को फिर से देख सकें जो बीत चुकी हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकें, या फिर हम ऐसे समय में चले जाएं जब हम इस दुनिया में थे ही नहीं। ये विषय हमेशा से काफ़ी दिलचस्प रहा है, पर यह सच में हम लोगों के बीच रह चुके कुछ लोगों के साथ हो चुका है, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और दावा किया। तो चलिए सुनते हैं टाइम ट्रैवल या समय में फिसल कर पीछे चले जाने की कुछ असली घटनाओं के बारे में। साल 1996 से 1950 में पहुंच जाने की घटना। साल 1996 में लंदन शहर में रहने वाले फ्रैंक अपनी पत्नी कैरल के साथ लिवरपूल की मार्केट में शॉपिंग करने गए। उनकी पत्नी एक बुक शॉप में कुछ किताबों को देखने लगी, तभी फ्रैंक गानों की सीडी खरीदने के लिए बुक शॉप से निकलकर पास में एक सीडी स्टोर के लिए निकल पड़े। पर बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ जैसे वहाँ पे अचानक से सन्नाटा सा छा गया है। तभी एक गाड़ी आकर उनके सामने हॉर्न बजाने लगी, क्योंकि वो सड़क के बीचों बीच खड़े थे। पर उन्होंने जब गाड़ी को देखा तो वो 1950 के दशक की एक विंटेज कार थी। लेकिन उससे ज़्यादा अजीब बात थी कि आसपास मौजूद लोगों ने 50 साल पहले पहने जाने वाले कपड़े पहन रखे थे। वो सब 1950 के आसपास के फैशन और स्टाइल में थे। फ्रैंक बुरी तरह से हैरान थे और वो वापस बुक स्टोर की तरफ बढ़े जहां उनकी पत्नी किताबें खरीदने के लिए रुकी थी। लेकिन जब वो बुक स्टोर वाली जगह पर वापस पहुंचे तो उस जगह पर बुक स्टोर की जगह क्रिप्स नाम की एक दुकान थी, जहां पर किताबों की जगह औरतों के हैंडबैग और जूते बिक रहे थे। फ्रैंक की कुछ भी समझ में नहीं आया और वो क्रिप्स नाम की उस दुकान के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही वो जगह वापस बुक स्टोर बन चुकी थी और वो साल 1996 में वापस लौट चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि उनके साथ ये सब हुआ क्या, पर उन्हें एक बात पता चली कि क्रिप्स नाम की वो दुकान साल 1950 के बाद ही बंद कर दी गई थी। बिना ही एहसास हुए समय में पीछे चले जाना। 18 जुलाई साल 1968 को चार्लेट वॉर बर्टन शॉपिंग करने के लिए निकली, जो जगह इंग्लैंड के टुनब्रिज वेल्स नाम की एक जगह का गांव था। वो इस तरह से इस मार्केट में खरीदारी करने बहुत बार जा चुकी थी, जिसमें कोई नई बात नहीं थी, पर उस दिन जो हुआ वो सब कुछ हर बार से एकदम अलग था। चार्लेट उस गांव में पहुंचने के बाद अपने आप को काफ़ी थका महसूस कर रही थी, जब उन्हें कॉफ़ी पीने की इच्छा हुई और वो किसी कॉफ़ी शॉप की तलाश करने लगी, जब उन्हें एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप दिखाई पड़ी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसको देखते ही उनकी जागरूकता बढ़ गई और उन्होंने उसके अंदर जाकर उस जगह के बारे में जानना चाहा। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उस कॉफ़ी शॉप की सजावट काफ़ी पुराने ज़माने जैसी लग रही थी, जिसमें सजावट के लिए लकड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। उस होटल में काम करने वाले लोग और उस जगह पर रखी हुई एक एक चीज़ किसी बीते हुए ज़माने के फिर से लौट आने का एहसास करा रही थी। चार्लेट को शायद ये लगा कि ये किसी पुराने ज़माने की थीम पर बनाया गया कॉफ़ी शॉप होगा और वो वहाँ से बाहर निकल आईं। अगली बार जब फिर से वो उस गांव गईं तो उनका मन फिर से उसी कॉफ़ी शॉप में जाने का हुआ, पर दोबारा उस जगह पर पहुँचने पर वो जगह वहाँ से गायब हो चुकी थी और उसका ना कोई सुराग मौजूद था, ना ही कोई पता और निशान। वहाँ पर रहने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे बहुत सालों पहले गिरा दिया गया था। चार्लेट का बताया गया उस कैफ़े का हुलिया ठीक वहाँ पर मौजूद एक कैफ़े से बिल्कुल मेल खा रहा था, जो वहाँ पे कई दशकों पहले हुआ करता था। चार्लेट कई दशक पीछे समय में चली गई थी, जिसका उन्हें एहसास तक नहीं हुआ था। भागते हुए एक चोर का समय में पीछे चले जाना। समय में पीछे चले जाने की ये मशहूर घटना इंग्लैंड के लिवरपूल नाम की जगह पर साल 2006 में हुई। 19 साल का एक लड़का जिसका नाम शॉन था, वो कई दिनों से शहर की मेन मार्केट में चोरियां करके भाग रहा था। एक दिन सिक्योरिटी गार्ड की उस पर चोरी करते समय नज़र पड़ गई और उसने शॉन को दौड़ाना शुरू कर दिया। शॉन भागते समय ऐसे किसी रास्ते या गली को ढूंढ रहा था जिसमें घुसकर वो उस आदमी से पीछा छुड़ा सके, और आखिरकार वो ब्रूक्स एली नाम की एक गली में घुस गया। अचानक से शॉन को अपने सीने में अकड़न और दर्द महसूस हुआ और जब उसने चारों तरफ देखा तो उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस शहर को वो बचपन से देखता आ रहा था वो पूरी तरह से बदल चुका था। जिन इमारतों को वो रोज़ देखता था वो गायब हो चुकी थी और लिवरपूल में रहने वाले निवासी कई दशकों पहले पहनी जाने वाली पोशाकें पहने हुए थे। शॉन को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो समय में पीछे चला गया है, और उसका शक तब दूर हो गया जब उसने अखबार में उस दिन की तारीख देखी। शॉन समय में 40 साल पीछे चला गया था, क्योंकि अखबार साल 1967 का था।
खुशकिस्मती से शॉन अपने समय में वापस लौट आया, पर उसे कुछ भी नहीं याद था कि वो सब कैसे हुआ। उसका पीछा करने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने भी साफ तौर पर बताया कि शॉन अचानक से रास्ते में गायब हो गया था बिना ही किसी सुराग के। डॉक्टर ईजी मून जो स्कॉटलैंड में रहने वाले एक फिजिशियन थे, जो अपने एक मरीज का इलाज करने उनके घर जाते थे, जिनका नाम लॉर्ड कार्सन था। कार्सन एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे और काफ़ी फेमस इंसान थे उस समय के। ये घटना साल 1935 की है, जब डॉक्टर मून ने समय में पीछे चले जाने का अनुभव किया। एक दिन डॉक्टर मून अपने पेशेंट कार्सन को देखकर उनके कमरे से नीचे उतरे और घर से बाहर निकलने के लिए बरामदे में पहुंचे, पर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्हें बाहर का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ सा लगा। घर के सामने खड़ी उनकी कार पार्किंग से गायब थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बाहरी इलाके का पूरा नक्शा बदल चुका था। घर के सामने बनी अच्छी खासी सड़क एक कीचड़ से भरा रास्ता बन गया था। तभी फौरन डॉक्टर मून ने एक आदमी को उस रास्ते पे चलते हुए देखा, जिसने 19वीं सदी की पोशाक पहन रखी थी, साथ में उसके सर पर एक हैट थी। इस चीज़ से घबराए हुए डॉक्टर मून ने एक बार पलटकर घर की तरफ दोबारा देखा और फिर वापस बाहर की तरफ नज़र दौड़ाई, जिसने उन्हें एक बार फिर से झटका दिया। उनकी कार वापस अपनी पार्किंग में खड़ी थी। घर के सामने सारी चीज़ें पहले जैसी हो चुकी थीं। पक्की सड़क वापस आ गई थी और वो पुरानी सदी का लगने वाला आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। जोफेर वॉरेन मैन फ्रॉम टॉरेट से मिलती जुलती ये घटना है, पर उससे भी ये 100 साल पहले की बात है। साल 1850 में जोफेर वॉरेन नाम के एक आदमी को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में पाया गया, जिसके बारे में कई सवाल खड़े हो गए। ये आदमी बहुत ही टूटी फूटी जर्मन भाषा में बात कर रहा था, जिस वजह से इसकी बात समझना बहुत मुश्किल हो गया। उसने बताया कि वो लग्जेरिया नाम की जगह से आया है और वो लग्जेरियन और एब्रामियन भाषाएं बोल सकता है। उसने बताया कि वो अपने लंबे समय से बिछड़े हुए भाई को ढूंढने निकला था, जब उसका शिप समुद्र में डूब गया और वो इस जगह पर पहुंच गया। वॉरेन को कई नक्शे दिखाए गए, पर किसी भी नक्शे को वो पहचान नहीं पा रहा था। उसने बताया कि जिस दुनिया से वो आया है, वो दुनिया 5 भागों में बटी हुई है, जिनका नाम सकीरा, एफलर, एसलर, ऑसलर और यूपलर था। इन सब बातों को इससे सुनने के बाद वॉरेन को बर्लिन ले जाया गया इसके ऊपर गहरा अध्ययन करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वॉरेन नाम का ये आदमी वाकई में था, पर संदेह है उसकी बताई हुई बातों से कि क्या ये आदमी पागल था या ये किसी और समय या दुनिया से गलती से इस दुनिया में पहुंच गया था। मिस्टर स्टीफेंस एक आदमी जिसको मिस्टर स्टीफेंस के नाम से जाना गया है, वो अपनी छुट्टियां मनाने बेल्जियम के ब्रूक्स नाम की जगह पर अपने दोस्त के साथ घूमने फिरने गया था। स्टीफेंस और उनका दोस्त इस ऐतिहासिक जगह का जायजा ले रहे थे, जब वो एक जगह पर जाकर रुके जिसके चारों तरफ छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थी। स्टीफेंस और उनके मित्र दोनों को ये जगह बहुत अनोखी सी लग रही थी, क्योंकि इस जगह ने काफी पुराने समय जैसा माहौल ओढ़ रखा था। घरों के बीचों बीच बने एक खेत में उन्होंने एक आदमी को मिट्टी जोतते हुए देखा। थोड़े ही समय में उन बसी हुई झोपड़ियों में से एक झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, जिसने उन दोनों को पानी पीने को दिया। उस जगह पर एक गिरजाघर भी बना हुआ था, जो काफ़ी दूर से ही दिखाई देता था। उन्होंने वहाँ पर एक छोटी सी दुकान से हाथों से सिला हुआ एक रुमाल भी खरीदा और वो दोनों उस जगह से चले गए। एक हफ्ते बाद जब स्टीफेंस अपने दोस्त के साथ फिर से उस जगह पर एक हफ्ते बाद गए, तो उन्होंने देखा कि जिस जगह पर वो आदमी जुताई कर रहा था, वहाँ पर एक घर बन चुका था, जहाँ पर तरह तरह के फूलों को सजा कर रखा गया था, और चारों तरफ बनी वो झोपड़ियाँ गायब हो चुकी थीं। ना ही उस दुकान का कोई अता पता था जहाँ से उन्होंने उस रुमाल को ख़रीदा था, पर एक चीज़ पहले की ही तरह उस समय भी वहाँ पर मौजूद थी, और वो था वहाँ पर दिखने वाला वो गिरजाघर। मिस्टर स्टीफेंस की बात सुन के वहाँ के लोगों ने उनसे कहा कि जैसा हुलिया आप बता रहे हैं, ऐसा यहाँ कई पुश्तों पहले हुआ करता था, यानी कई 100 साल पहले। रुका हुआ पुराना समय। साल 1957 की बात है। उस दिन संडे का दिन था और सुबह का समय था, जब 3 ब्रिटिश नेवी कैडेट एक गांव में घूम फिर रहे थे, जो जगह इंग्लैंड के कर्सी नाम की जगह के पास है। इन तीनों को उस जगह का माहौल काफ़ी अजीब सा लग रहा था।
उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पुरानी तस्वीर के अंदर चले गए हैं, जो देखने में तो पुरानी है ही, पर हर चीज़ वहाँ पर एक तस्वीर या चित्र की तरह रुकी हुई है। उस जगह पर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। थोड़ी देर बाद उनकी नज़र पास में मौजूद एक नदी के अंदर पड़ी हुई बतकों पर गई, पर वो बतकें एक तस्वीर की तरह बिल्कुल स्थिर या मोशनलेस थी। वो आगे बढ़े जब एक गांव के सामने से वो गुजरे। उस जगह पर मॉडर्न ज़माने की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, ना ही कोई निशान था। उस जगह पर बिजली या बिजली के तारों का कोई नामो निशान नहीं था, ना ही टेलीफोन का। कोई गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। इस दृश्य से उनकी उलझनें और बढ़ने लगीं और उन्हें महसूस होने लगा जैसे वो किसी और समय में चले गए हैं या किसी दूसरी दुनिया में। वो जगह बिल्कुल वीरान थी और एक रुके हुए समय की तरह स्थिर थी। उन तीनों को ये सब देखकर घबराहट सी महसूस होने लगी और डिप्रेशन ने उन्हें घेरना चालू कर दिया, जिसके बाद अपनी जान का खतरा देखकर वो उस गांव से भाग निकले। उनकी बताई हुई बातों की जांच की गई, पर करसी नाम के उस गांव के आसपास ऐसी कोई भी जगह नहीं थी। लेकिन बाद में पता चला कि मध्यकाल समय के दौरान उस जगह पर वैसी जगह कभी हुआ करती थी। LC ये घटना साल 1969 की शरद ऋतु की है, जब पतझड़ शुरू हो जाता है। उस समय एक आदमी जिसे LC नाम से जाना गया है, उसने अपने आप को मौजूदा समय से पीछे चले जाने की घटना का सामना किया। साल 1969 में LC नाम का वो आदमी लुइजियाना के सुनसान हाईवे से गुजर रहा था, जब रास्ते में उसने एक काफ़ी पुरानी सी दिखने वाली कार को सड़क पर धीमे धीमे चलते हुए देखा। जब उसने उस कार की नंबर प्लेट को देखा तो उसे पता चला कि वो कार साल 1940 के दशक की है, जिसे देखकर वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। कार काफ़ी धीमे चल रही थी, जिस वजह से LC को लगा कि शायद उस कार वाले को कोई मदद चाहिए हो। उसके बाद उसने उस कार को ओवरटेक कर लिया, पर जब उसने पलट के देखा तो उस कार को एक औरत चला रही थी, जिसने पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे थे और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। पर एक और ख़ास बात थी कि वो औरत बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। LC ने उस औरत से पूछा कि उसको किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है, जिसके जवाब में उस औरत ने अपना सर ऊपर नीचे हिलाकर बताया कि हाँ, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे मदद चाहिए। LC ने तुरंत ये सुनते ही अपनी कार रोक दी और उस महिला की मदद करने के लिए उतर पड़ा। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ना ही वो कार वहाँ पर थी और ना ही वो औरत। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक और आदमी आकर रुका और उसने काफ़ी परेशान तरीके से LC से पूछा कि उस गाड़ी का क्या हुआ जो अचानक से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। इस घटना के बारे में कई लोगों का मानना है कि या तो वो महिला समय में आगे चली गई थी, जिस वजह से वो घबराई हुई थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, या LC और बाद में वहाँ पर पहुँचने वाला आदमी किसी दूसरे डायमेंशन में पहुँच गए थे, जिससे वो समय में पीछे चले गए। आज तक उस औरत का पता नहीं चला कि वो कौन थी और वो इतना डर क्यों रही थी। चार दोस्तों के टाइम ट्रैवल की घटना। साल 1979 की बात है, जब चार दोस्त फ्रांस में छुट्टियां मनाने निकले हुए थे। वो लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे जब दिन ढल गया और रात होने लगी। तब उन्होंने आसपास रात भर किसी होटल में ठहरने का प्लान बनाया, क्योंकि वो लोग बहुत थक गए थे। कई होटलों में जाने पर सब होटलों की वैकेंसी फुल हो चुकी थी, जिस वजह से वो किसी और होटल की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर और ढूंढने पर उन्होंने अपनी कार एक कच्ची रोड पर उतार दी। उनको रास्ते में थोड़ी ही दूर पर एक होटल भी मिल गया, पर वो जगह काफ़ी अजीब सी थी। उस इलाके की बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी डिज़ाइन की लग रही थीं और गलियों में सर्कस शो के एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर लगे हुए थे। होटल के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि दरवाज़ों पर लॉक होने की बजाय उन पर भारी कुंडे लगे हुए थे और खिड़कियों को बंद करने के लिए लकड़ी के शटर लगे थे। खिड़कियों में कांच लगाई नहीं गई थी। उस होटल में ना ही लिफ्ट थी और ना ही कहीं पर टेलीफोन लगा था। रूम में पड़े गद्दे और तकिया काफ़ी सख्त थे, पर मजबूरी में उन्होंने वहीं पर रात बिताने का फ़ैसला लिया। वहां रुकने पर सबने तुरंत बियर ऑर्डर की, जिसका स्वाद वहां की किसी लोकल बनी हुई बियर जैसा था। खाना बेहद लाजवाब था और जिन बर्तनों में उन्हें परोसा गया था उनकी बनावट काफ़ी पुरानी स्टाइल की थी। सुबह उठकर उन्होंने वहाँ पर नाश्ता किया, जब उनकी मुलाकात दो फ्रेंच पुलिस ऑफिसरों से हुई, जिन्होंने बहुत पुरानी सी दिखने वाली यूनिफॉर्म पहन रखी थी टोपी के साथ,
और उनके साथ एक औरत भी थी जिसने 18वीं सदी जैसी दिखने वाली एक पोशाक पहन रखी थी। उस होटल में ठहरने का अनुभव शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ही अजीब था, क्योंकि वहाँ पर ठहरने का किराया भी सिर्फ 19 फ्रैंक्स था, जहाँ दूसरे होटलों का एक रात का किराया 200 फ्रैंक्स तक था। पर इस बात से वो खुश थे और वो सफ़र करने आगे चल पड़े। वापस लौटते समय उन लोगों ने फिर उसी होटल में रुकना चाहा, क्योंकि इससे सस्ता होटल और कहीं मिल ही नहीं सकता था। लेकिन वो सब जब दोबारा उस जगह पर पहुँचे, तब वो होटल वहाँ से गायब हो चुका था। और जिस तरह की पोशाक उन पुलिसकर्मियों ने पहन रखी थी, वैसी ड्रेस साल 1905 के आसपास पहनी जाती थी। उस दौरान उन लोगों ने उस जगह की कैमरे से कुछ फोटोएं भी खींची थीं, पर उसको धुलवाने पर वो ब्लैंक निकली। बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ जाने से इन लोगों ने उस जगह के पास विधिवत छानबीन की, जिन्हें उस जगह पर कुछ टूटे फूटे खंडहरों के अलावा कुछ नहीं मिला। पर उन्होंने एक पुरानी सी टूटी फूटी पड़ी पुलिस की चौकी को पहचान लिया था, जिसमें एक हफ्ते पहले ही उन पुरानी वर्दी पहने पुलिसकर्मियों को उस जगह पर काम करते देखा था।